तो दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं सीरियल तू सूरज में सांच पिया जी के बारे में। अब सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि उमा शंकर और मासी माँ शुद्धि विद्धि की पूजा की तैयारियों में लगे हैं। वहीं कनक अब अपने वकील से मुलाकात कर चुकी है और वो जल्द से जल्द घर से भागने भी वाली है, लेकिन उमा शंकर इस बात से बेखबर बस इस बात की प्रार्थना करने में लगा है कि भगवान थोड़ी बहुत अकल कनक को दे दे। अब सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि उमाशंकर और मासीमा कनक को पूजा के लिए लेकर जाते हैं। कनक अभी तक इस बात से अनजान है कि आखिर इस पूजा में क्या होने वाला है, और मासीमा उसे समझाती हैं कि इस पूजा के बाद उमाशंकर और कनक जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। वहीं जब कनक एक लड़की को गर्म लोहे से नाम गुदाते देखती है तो वो डर जाती है। कनक इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती, और अब आप देखेंगे कि कनक उमाशंकर और मासीमा के खिलाफ जाकर इस रस्म को करने से मना कर देगी। कनक की के बाद उमाशंकर और मासीमा को कनक पर गुस्सा आ जाता है, और अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि गुस्से में आकर उमाशंकर क्या करेगा। क्या वो कनक को कोई बड़ी सजा देगा या फिर कनक को माफ कर देगा। कहानी में आगे क्या कुछ होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रोहित की रिपोर्ट।